प्रदेश के महोबा जनपद में चोरों ने बड़ी साजिश को अंजाम दिया है। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के निस्वार गांव स्थित साईं मंदिर से चोर साईं बाबा का मुकुट लेकर फरार हो गए। एक सोचे समझे मास्टर प्लान के तहत मंदिर के पुजारियों को पहले नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया गया, उसके बाद चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुजारियों का इलाज जिला चिकित्सालय में किया जा रहा है। वहीं खाकी की अगर माने तो आने वाले वक्त में जल्दी चोरी की घटना का पर्दाफाश करने का आश्वासन दिया जा रहा है। पनवाड़ी थाना क्षेत्र के निस्वारा गांव स्थित एक से मंदिर को चोरों द्वारा अपना निशाना बनाया गया है। मंदिर में मुसाफिर बनकर आए चोरों ने पहले तो मंदिर के पुजारियों को नशीला पदार्थ खिलाया, उसके बाद उन्होंने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सुबह जब आसपास के लोग मंदिर में पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने पुजारियों को अचेत पाया, जिसकी सूचना इलाकाई पुलिस को फौरन दी गई। पुजारियों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें तत्काल जिला अस्पताल महोबा में भर्ती कराया गया है, जहां पर तीनों पुजारियों का उपचार किया जा रहा है। इलाकाई पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक आरके गौतम ने जल्द ही घटना का पर्दाफाश कर चोरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किए जाने का आश्वासन दिया है। आइए देखते हैं विराट 24 के लिए महोबा से कौशलेंद्र राठौर की रिपोर्ट। थाना पनवाड़ी क्षेत्र में एक गांव निस्वारा पड़ता है, जिसमें साईं बाबा स्कूल में एक मंदिर है साईं बाबा का, जिसमें कि शाम को डेली 8 बजे आरती होती है। आरती के दौरान एक व्यक्ति आया, उसने वहां पर प्रसाद चढ़ाया। प्रसाद चढ़ाने के बाद में वो प्रसाद वहां के पुजारियों ने और चौकीदार ने सबने मिलकर के खाया। प्रसाद खाने के बाद में वो चौकीदार और पुजारी अचेत हो गए। उसके बाद में उस व्यक्ति के द्वारा मौका पा करके साईं बाबा के मुकुट को चोरी करके वो ले गया। तत्पश्चात जैसे ही इसमें सूचना मिली तो पुजारियों को और चौकीदार को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जिनका इलाज चल रहा है इस समय, और उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करने के लिए टीमें लगा दी गई हैं और शीघ्र ही उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की जाएगी और शीघ्र घटना का अनावरण किया जाएगा। अच्छा, घटना तो वहाँ ऐसे ऐसे हुई तो 9 बजे शाम की आरती है, लोग आते हैं, आरती होने के बाद कुछ लोग चले जाते हैं। एक लोग 9 बजे के समथिंग आया है, प्रसाद लाया है, तेल मिर्ची लाया है, और हम लोगों से रिक्वेस्ट करने लगा कि मंदिर में रुक जाने के लिए व्यवस्था बना दो, हम कल वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन हमने मंदिर के लिए बिल्कुल टोटली मना कर दिया कि मंदिर में नहीं, आपको रहना नहीं किसी को भी। तो क्या हुआ कि हम कहा उनको चारपाई हमकी दे देते थे, तुम गार्ड के पास लेटो। और गार्ड के पास लेटने के लिए मंजूर हो गया।